नारायण नारायण। परमपिता, आज आपको प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी ये प्रसन्नता क्षणिक है नारद। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है? नारायण नारायण। परमपिता, वो कैसे? तुम शिव पार्वती के शक्तिवन का रहस्य पूछने यहाँ आए हो। इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों परमपिता? आपको तो ये ज्ञात है ही कि मैं वैकुंठ से बिना उत्तर पाए ही यहाँ लौटा हूँ अपने इस मानस पुत्र के प्रश्न की लाज रख ले। परमपिता, मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग्न है, आप मुझ पर कृपा करें। हम इस समय तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि शिवलीला के रहस्य का संबंध मनुपुत्र महाराज इल और तारापुत्र बुध से है। महाराज इल और तारापुत्र बुध? परमपिता, केवल इतना संकेत मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाऊं? कृपया आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्त के किस क्षेत्र में है? शक्तिवन काम्यक वन में है और काम्यक वन महाराज इल के राज्य में। बस इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा कल्याण। नाट्यशाला में प्राण रूपी वीणा का मैं चेतनापूर्ण सप्तक तार हूं। मैं ओंकार हूं। मैं तपस्या का त्याग नहीं करूंगा, कदापि नहीं। ओम नमः शिवाय। अवश्य ही भगवान शिव मेरे स्वामी को दंडित करने के लिए ही अपने साथ ले गए हैं। भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए मैं क्या करूं? भगवान शिव का रोष दूर करने के लिए शिव की आराधना करनी आवश्यक है, परंतु तुम्हें वह करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान शिव का रोष तो शांत हो चुका है। स्वामी आप? हाँ रोहिणी, भगवान शिव शंकर का हृदय महासागर से भी अधिक विशाल है। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान कर दी है और मैंने भी उन्हें भविष्य में संयमित और सुसंस्कृत रहने का वचन दिया है। आपकी मीठी मीठी बातों का अब मुझे कोई विश्वास नहीं है। आपका चंचल मन कब क्या कर बैठे, इसका कोई कैसे विश्वास कर सकता है? क्या अभी तुम मुझे अपराधी समझती हो रोहिणी? आप ही बताएं, यदि शिव शंकर आपका त्याग नहीं करते तो आप यहाँ कैसे आते? पिछली बार आप उनसे भयभीत होकर यहाँ आए थे। मेरी बात का विश्वास करो रोहिणी, इस बार भगवान शिव शंकर ने रोष से नहीं प्रेम से मेरा त्याग किया है, और वह भी कुछ समय के लिए। क्या प्रेम से भी कोई किसी का त्याग कर सकता है? प्रेम त्याग का ही दूसरा रूप है रोहिणी। क्या तुम मेरे प्रति प्रेम के ही कारण मेरे वियोग में अकेली रहकर अपने सुख का त्याग नहीं कर रही थी? बातों में ना उलझाएं स्वामी, और बताएं कि भगवान शिव शंकर ने प्रेम से आपका त्याग क्यों किया? इसलिए भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा अनुसार अब लीलामय हो गए हैं। अर्थात भगवान शिव शंकर इस समय कैलाश में नहीं है? उन्होंने कुछ समय के लिए कैलाश को भी त्याग दिया है रोहिणी। उनका यह रूप परिवर्तन सचमुच अद्भुत एवं आश्चर्यकारी है। चिंता मत करो देवी, जब तक भगवान शिव शंकर कैलाश पे जाकर मेरा स्मरण नहीं करते तब तक मैं तुम्हारे समीप ही रहूंगा।
नाग देवता, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या आपकी आंखों में अश्रु? कहीं भगवान भोलेनाथ के वियोग में तो नहीं? नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ है? ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप जिनका नाम बारंबार स्मरण कर रहे हैं उनका पता तो बताएं कि कहां गए हैं कैलाशपति। देव ऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अचानक निर्मोही हो गए हैं, हमसे और कैलाश से संबंध तोड़ लिया है। नारायण नारायण, ये कैसे हो सकता है नंदी महाराज? कैलाशपति कैलाश और नंदी से भला संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? ये संबंध तो अटूट है, अजर अमर है, शाश्वत है। आप कुछ भी कहें देवऋषि, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शीघ्र कैलाश लौटने की आशा मैंने छोड़ दी है। उन्होंने नया संसार रच लिया है। नया संसार रच लिया है और आपको इस संसार में अकेले छोड़ दिया है? नारायण नारायण, मुझे आपकी वाणी पर विश्वास नहीं होता नंदी महाराज। संभवतः आपको भ्रम हुआ है अथवा तो आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है। देख नहीं रहे आप, भगवान ने परम प्रिय नागदेव, त्रिशूल और चंद्रदेव का भी त्याग कर दिया है। हमें चंद्रदेव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कामयक वन में एक शक्ति वन की रचना की है, जहां पहुंचकर कोई पुरुष पुरुष नहीं रहता। लीलामयी भगवान भोलेनाथ ने भी नारी समान रूप धारण कर लिया है। शिव 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 शिव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ नंदी महाराज? ये सत्य है देवऋषि, चंद्रदेव हमसे असत्य तो नहीं कहेंगे? हाँ। देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने शक्ति वन में एक और चमत्कार किया है। कैसा चमत्कार ब्रिंगी जी? उस शक्ति वन में जो भी पुरुष जाता है वो नारी बन जाता है। अब तो इच्छा होने पर भी हम वहाँ जाने का विचार नहीं कर सकते। नारायण नारायण, ब्रिंगी जी, परंतु मैं तो वहाँ जाने का विचार कर रहा हूँ। भगवान शिव का यह परिवर्तित रूप देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? देव ऋषि, आप भोलेनाथ से मिले तो हमारी दुर्दशा की बात अवश्य करें। अवश्य कहूँगा नंदी महाराज, अवश्य कहूँगा, परंतु परंतु आप अपना विचार बदल तो नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नंदी महाराज, मैं विचार कर रहा हूँ शक्ति वन में प्रवेश करते ही कहीं मैं नारी बन गया तो मेरा क्या होगा? अब नारी भी नहीं बनना है और नारी रूपी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन भी करने हैं। नारायण नारायण, चतुराई से काम लेना होगा नारद। नंदी महाराज, इस शिव लीला को नारद लीला से ही सुलझाना होगा। नारायण नारायण। स्वामी सुनिए, स्वामी स्वामी कृपा करके अपनी योग निद्रा का त्याग करके आंखें खोलिए, मैं आपसे कुछ कहने की इच्छुक हूँ। स्वामी, क्या आप सचमुच अपनी योग निद्रा का त्याग नहीं करेंगे? स्वामी मुझे स्पष्ट बताइए। देवी लक्ष्मी, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या पूछने के इच्छुक हैं। स्वामी, मैं कुछ पूछने की इच्छुक नहीं, मैं कुछ कहने की इच्छुक हूँ। कहो, हम सुन रहे हैं। हम इस समय आंखें नहीं खोलेंगे क्योंकि योग निद्रा में हम अपने भक्त नारद को देख रहे हैं। मैं नारद के विषय में ही आपसे कुछ निवेदन करने की इच्छुक हूँ। कहो, क्या कहना है तुम्हें हमारे परम प्रिय नारद के विषय में? इस बार आप नारद को
वैकुंठ लोक में प्रवेश न करने दें। परंतु प्रवेश का प्रश्न ही कहाँ उठता है देवी, वो तो सीधे वैकुंठ लोक के अंदर ही प्रकट हो जाते हैं। आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ प्रकट होने से भी रोक सकते हैं। कैसे? हम वैकुंठ लोक में किसी के प्रकट होने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते। स्वामी, मैं पहले ही उद्विग्न हूँ, आप मुझे और संतप्त ना करें। इस आनंद में वैकुंठ लोक में हमारे पास होते हुए भी तुम उद्विग्न क्यों हो, ये तो बताओ देवी। जब आप अपनी योग निद्रा में मग्न होते हैं तो नारद के आने पर हमारा समय काटना सरल हो जाता है, परंतु देवर्षि इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के वो अपना मुंह तक नहीं दिखाते, और इस बार तो उन्होंने युगों से हमारे सुत तक नहीं ली। नारायण नारायण। माता, युगों से नहीं, दिनों से कहें, दिनों से। और वैसे भी यहाँ वैकुंठ में रहकर आपको समय का पता ही नहीं चलता। नारद, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। नारायण नारायण। मैं ये जानता हूँ माता कि आप मुझसे अकारण ही रुष्ट हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण अपने भक्त का पक्ष लेकर आपका रोष शांत कर देंगे। मैं तुम्हारी बातों में उलझने वाली नहीं नारद। यदि तुम यहाँ प्रतिदिन आने का वचन नहीं दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। नारायण नारायण। माता, आपको तो ज्ञात है ही मैं सारे जगत में भ्रमण करता रहता हूँ, प्रतिदिन यहाँ आने का झूठा वचन देकर मैं आपको प्रवंचित नहीं करना चाहता। आज देवी लक्ष्मी का रोष चरम सीमा पर है नारद, वे शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली नहीं है। तुम बताओ क्या नए समाचार लेकर आए हो। श्री हरि, सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटना और समाचार भला आपसे कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं। श्री हरि, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस बार शिवलीला का रहस्य क्या है। कैसी शिवलीला नारद? कैसी शिवलीला? माता, क्या आपको श्री हरि ने नहीं बताया कि भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है। भगवान भोलेनाथ ने नारी जैसा रूप धारण कर लिया है? तब तो देवी पार्वती ने अवश्य पुरुष का रूप धारण किया होगा। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं माता नहीं, मैंने सुना है माता पार्वती और भी अधिक नारीमय हो गई है, उन्हीं के लिए भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की स्थापना और रचना की है। वहाँ सब कुछ नारीमय हो गया है माता, वहाँ जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी बन जाएगा। प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जो सुन रही हो वो सत्य है देवी। प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है। हम तुम्हारी विनती की गिनती नहीं करते नारद, जितनी भी विनती करोगे हमें स्वीकार है, किंतु कोई ऐसा प्रश्न न करना जिसका उत्तर हम ना दे सकें। नारायण नारायण। ये तो प्रश्न पूछने के पश्चात ही पता चलेगा श्री हरि। वैसे संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपके पास ना हो, आप तो सर्वज्ञ हैं। हम ये स्वीकार करते हैं नारद, किंतु हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो। नारायण नारायण। आप जानते हैं श्री हरि, फिर भी मुझे ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि शिव लीला का रहस्य क्या है। भगवान भोलेनाथ ने शक्तिवन की रचना क्यों की? भगवान भोलेनाथ नारीमय क्यों हो गए? भगवान नहीं नारद, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये शिव इच्छा के विरुद्ध होगा। प्रभु, मुझे इस बात का आभास पहले ही हो गया था कि आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं देंगे, परंतु आप स्पष्ट नहीं कर देंगे ये आशा मैंने नहीं की थी। श्री हरि, अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे परमपिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाना है। इसके लिए आज्ञा की आवश्यकता है नारद, तुम सहर्ष ब्रह्मलोक में प्रकट हो सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। देखा स्वामी, नारद कितने स्वार्थी हैं,
प्रयोजन सिद्ध ना हुआ तो कैसे एक पल में अदृश्य हो गए? देवी, इसमें नारद का कोई दोष नहीं है। वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए व्याकुल हैं। हो सकता है ब्रह्मदेव के पास उन्हें कोई संकेत मिल जाए। स्वामी, अब मैं नारद को तभी क्षमा करूंगी जब आप मुझे शक्तिवन का रहस्य बता देंगी। देवी, जो बात हम अपने प्रिय भक्त को नहीं बता सके वो आपको कैसे बता सकते हैं? ब्रह्मा जी आज अति प्रसन्न हैं। आज तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। नारद, क्या तुम समझते हो ब्रह्मलोक में सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो गया है? नारायण नारायण, माता कृपया आप मुझे क्षमा करें। आपको तो ये ज्ञात है ही कि किसी को भी प्रसन्न देखकर मैं भी प्रसन्नता में खो जाता हूँ। प्रसन्नता का अर्थ किसी की उपेक्षा तो नहीं? देख रही हूँ तुम दिनों दिन अधिक स्वार्थी होते जा रहे हो। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं देवी, परंतु इतना अधिक भी स्वार्थी होना ठीक नहीं कि किसी को बुरा लगे। नारायण नारायण, परमपिता आज आपको प्रसन्न देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी यह प्रसन्नता क्षणिक है नारद। मेरी प्रसन्नता क्षणिक है? नारायण नारायण, परमपिता वो कैसे? तुम शिव पार्वती के शक्तिवन का रहस्य पूछने यहाँ आए हो। इसका उत्तर तुम्हें हमसे नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों परमपिता? आपको तो ये ज्ञात है ही कि मैं वैकुंठ से बिना उत्तर पाए ही यहाँ लौटा हूँ अपने इस मानस पुत्र के प्रश्न की लाज रख ले। परमपिता, मेरा मन उसे जानने के लिए उद्विग्न है, आप मुझ पर कृपा करें। हम इस समय तुम्हें यही संकेत दे सकते हैं कि शिवलीला के रहस्य का संबंध मनुपुत्र महाराज इल और तारापुत्र बुध से है। महाराज इल और तारापुत्र बुध? परमपिता, केवल इतना संकेत मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं उस शक्तिवन का पता कैसे लगाऊं? कृपया आप मुझे ये बताएं कि शक्तिवन आर्यवर्त के किस क्षेत्र में है? शक्तिवन काम्यक वन में और काम्यक वन महाराज इल के राज्य में। बस इससे अधिक हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा कल्याण।